हेलो एवरीवन, आई एम रेखा गर्ग एंड आई वेलकम्स यू टू गर्ग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि एक सीबीएसई का अपडेट आया है। सुबह न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई हुई है कि सीबीएसई ने 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी सब्जेक्ट्स का 30% सिलेबस डिलीट किया है। तो पहली बात उसी को क्लैरिफाई करने के लिए वीडियो बनाई है। तो पहली बात, ये जो सिलेबस कम हुआ है, 30% जो डिक्रीज हुआ है, वो सिर्फ इसी सेशन के लिए 2020-21 मींस जो स्टूडेंट्स 2021 में एग्जाम देंगे, मार्च 2021 में, उनके लिए ये सिलेबस सिर्फ डिलीट हुआ है, उससे नेक्स्ट ईयर्स के लिए नहीं होगा। 9th से 12th तक सभी क्लासेस का हुआ है और सभी सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई जो टॉपिक है वो डिलीट हुआ है, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं प्लस टू अकाउंट्स में कौन सा सिलेबस डिलीट हुआ है, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। तो पहली बात, अकेला जैसे आपकी जो बुक है वो टू पार्ट्स में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो पार्ट ए में से ही सिलेबस डिलीट हुआ है, पार्ट बी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो पार्ट ए में से कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, एडमिशन कट गया है, रिटायरमेंट कट गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एक कंप्लीट चैप्टर नहीं कट हुआ है, थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं। तो देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए में से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में से लास्ट का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। जो कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होती है, मींस जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतनी कैपिटल अब उनकी होगी नए पार्टनर के एडमिशन के बाद, वो वाला टॉपिक नहीं करना है, उससे पहले का कंप्लीट टॉपिक करना है। और साथ में प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, मींस आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो आपको बैलेंस शीट बनानी होती थी वो अब नहीं बनानी है। एडमिशन के चैप्टर में से सिर्फ इतना सा टॉपिक कट हुआ है, लास्ट का ही टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, वही सेम टॉपिक जो एडमिशन में था वही वाला टॉपिक यहां से डिलीट हुआ है, ये अब नहीं करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। और साथ में प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद हम उसके लोन की रीपेमेंट का अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट भी यहां पर प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये दो टॉपिक रिटायरमेंट में से नहीं करने हैं। उसके बाद है डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये टॉपिक है अपना डेथ ऑफ ए पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अब नहीं बनाना है इस सेशन के लिए, ये चीज अब नहीं बनानी है। और साथ में उसका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनता है मेनली, मतलब ऐसा एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी होता है, यहां पर एग्जीक्यूटर अकाउंट अब नहीं बनाना है, चाहे हम उसमें लोन की पेमेंट कर रहे हैं या फिर वैसे एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है, तो वो भी यहां पर नहीं बनाना है। ये तो है अपना पार्टनरशिप से रिलेटेड जो जो टॉपिक यहां पर नहीं आएंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में देखो अपना कंपनी अकाउंट्स के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स है, उसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और लास्ट में है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें अकेला एक ही चैप्टर का टॉपिक डिलीट हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में से भी सिर्फ ये दो मेथड्स, लमसम और ड्रॉ ऑफ लोड्स, ये नहीं कर रहे, बाकी करना है। मींस जो भी उसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जो एंट्रीज वगैरह है वो तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट चैप्टर्स करने हैं, और साथ में जो पार्ट बी है रेशियो वगैरह, मतलब जो भी उसके अंदर था वो पूरा का पूरा पार्ट करना है। तो काफी कम सिलेबस ही है, मतलब जो लास्ट लास्ट के टॉपिक है ऑलमोस्ट जिसमें वही दिए हुए वही हमें नहीं करने हैं। अब हम करते हैं इकोनॉमिक्स का रिलेटेड सिलेबस। इकोनॉमिक्स में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में थोड़ा सा डिलीट हुआ है। तो पार्ट ए में सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूनिट है, यूनिट का नेम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग यूनिट में चैप्टर है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। सिलेबस में यही गिवन है जो सीबीएसई का है मनी एंड बैंकिंग, बट ये चैप्टर है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। इसमें एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के जो कंट्रोल करने के मेथड्स हैं, उसमें कंट्रोल करने के जो मॉनेटरी मेथड्स हैं
वो अब नहीं आएंगे, उसमें कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यही है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में, मतलब डेफिशिट डिमांड या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो हम यूज करते हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सभी मेथड्स या टूल्स हम यूज करते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो ये टूल्स बस ये डिलीट हुए, मतलब एक टॉपिक है छोटा सा जो डिलीट हुआ है यहां से। तो ये चैप्टर है एक्सेस और डेफिशिट डिमांड। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस लास्ट यूनिट में दो चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट से ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बस ये डेफिशिट कब होता है, डेफिशिट उसका मीनिंग। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट में से है डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, वो जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिसाइड होती है एक्सचेंज रेट। ये वाला टॉपिक बस डिडक्ट हुआ है यहां से, ये नहीं करना है, बाकी सारा कंप्लीट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी करना है। उसके बाद ये तो था पार्ट ए, जो जो रिलेटेड सिलेबस है। उसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के जो भी करंट चैलेंजेस हैं वो इसमें से कुछ पार्ट डिलीट हुआ है। तो वो क्या है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। जैसे ये जो करंट चैलेंजेस है इसके अंदर एजुकेशन का चैप्टर है, एग्रीकल्चर का चैप्टर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन तीनों में से एक एक टॉपिक डिलीट हुआ है। ये ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, जितने जितने ग्रोथ हुई है, कितना कितना परसेंट किस किस चीज में हुआ है, वो डिलीट हुआ है। उसके बाद अल्टरनेटिव फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, अल्टरनेटिव फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक है वो भी अब नहीं करना है। एंड लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी का टॉपिक भी नहीं करना है। तो ये था टोटल सिलेबस अपना जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में डिलीट हुआ है। इसके साथ साथ जो बिजनेस स्टडीज का टॉपिक डिलीट हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा इसमें, मैं लास्ट में एक पिक ऐड कर दूंगी। तो ये है आपका टॉपिक जो जो डिलीट हुआ है। तो यूनिट के नेम गिवन है, ये याद रखना, चैप्टर्स के नेम नहीं है ये, जिसमें से टॉपिक डिलीट हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीज में रह जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।